सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, लगभग तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सभी शिक्षक साथियों का सितंबर माह का वेतन आपका पेरोल मॉड्यूल से आएगा। इसके लिए सभी ब्लॉक्स में पूरी तैयारी कर ली गई हैं और इसके साथ साथ आप सभी शिक्षकों को जो सैलरी स्लिप मिलती है वो भी आपको मानव संपदा पोर्टल से प्राप्त होगी। आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि शिक्षकों की जो सैलरी स्लिप है जो अभी तक हमें BRC से या लेखा विभाग से प्राप्त होती थी, अब वो हमें मानव संपदा पोर्टल से आसानी से मिल जाएगी। कैसी होगी वो सैलरी स्लिप और कहाँ से मिलेगी शिक्षकों को सैलरी स्लिप, ये सब हम आज की वीडियो में जानेंगे। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफार्म पर मिले तो उसके लिए मैंने WhatsApp ग्रुप बनाया हुआ है। आप चाहें तो मेरे WhatsApp ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो साथियों, अब हमें सैलरी की इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, ये सभी शिक्षक साथियों के साथ है। सभी शिक्षक साथियों को जो अब वेतन मिलेगा वो पे रोल मॉड्यूल के से मिलेगा। तो ये पे रोल मॉड्यूल आखिर क्या होता है? पे रोल मॉड्यूल आपका मानव संपदा से जुड़ा होता है। इसमें ऑटोमेटिकल सारा काम होता है, जो BRC पे बिल बनते हैं वो कोई काम अब नहीं होगा। आपका मानव संपदा पोर्टल अपने आप सैलरी को जनरेट करेगा, जिसने जितनी छुट्टी ली है उनको काउंट करेगा, जिसका जितना GPF कटता है PPF कटता है वो सब अपने आप काट लेगा। इसके साथ साथ अगर किसी का लोन है उसको भी वो काट लेगा। इसी के साथ साथ वो सैलरी जनरेट करके अपने आप खातों में प्रेषित कर देगा। काफ़ी अच्छा सिस्टम है। जो प्रोसेस बिल को बनाने में पास कराने में होती थी वो सारी प्रोसेस अब खत्म हो जाएंगी। अब सैलरी सीधी आपके मानव संपदा पोर्टल से पेरोल सिस्टम के माध्यम से आपके खाते में प्रेषित कर दी जाएगी। यानी कि अब आपका वेतन भी टाइम से ही आएगा। वेतन टाइम से आने के साथ साथ आपको एक सबसे बड़ा फायदा ये होगा, अगर आपको फार्म 16 की जरूरत है तो फार्म 16 भी आपका पेरोल मॉड्यूल जनरेट करेगा, क्योंकि इसमें आपकी TDS कटौती सब कुछ आती है और फार्म 16 भी आप अपना मानव संपदा पोर्टल से प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको कहीं पर लोन लेना है, जिस तरह से हम लोन लेते हैं शिक्षक साथी, तो लोन लेने के लिए सैलरी स्लिप की जरूरत पड़ती है 3 माह की। तो 3 माह की सैलरी स्लिप के लिए हमें BRC पर चक्कर काटने पड़ते हैं, लेखा पर चक्कर काटने पड़ते हैं। अब वो सारा सिस्टम खत्म हो जाएगा, सैलरी स्लिप हमें मानव संपदा पोर्टल से प्राप्त होगी। कैसी होगी सैलरी स्लिप आज की वीडियो में हम जानेंगे। तो सैलरी स्लिप का फॉर्मेट कुछ इस तरह का होगा, जिसमें लिखा होगा डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक एजुकेशन उत्तर प्रदेश, विद्या भवन निषादगंज लखनऊ उत्तर प्रदेश, इस तरह से सैलरी स्लिप, क्योंकि मानव संपदा से जुड़ रहा हुआ है। तो अब किसी भी कर्मचारी की सैलरी स्लिप में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे ऊपर माह लिखा होगा, मंथ मान लीजिए आपको अगस्त की मिलनी है, मंथ अगस्त ईयर 2005। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में यहाँ पर जिस शिक्षक की सैलरी है वो नाम लिखा होगा, उसके नीचे उसका EHRMS कोड लिखा होगा, उससे आगे डेजिग्नेशन लिखा होगा। ये थोड़ा सा लाइट है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। डेजिग्नेशन लिखा होगा कि किस पोस्ट पे है असिस्टेंट टीचर, और स्कूल का नाम लिखा होगा। इस तरह के सैलरी स्लिप में डिटेल्स होंगे पहले कॉलम में। दूसरे बात, ज्वाइनिंग डिटेल लिखी होगी, अकाउंट नंबर लिखा होगा और पेमेंट मोड लिखा होगा। पेमेंट मोड यानी कि बैंक ट्रांसफ़र, और बैंक का नाम लिखा होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो भी कोई नाम होगा वो नाम आपका लिखा होगा। यानी कि आपकी पूरी डिटेल सैलरी स्लिप में प्रिंटेड होगी, जो आपको मानव संपदा पोर्टल से मिलेगी। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम आता है अर्निंग्स। अर्निंग्स में आपकी बेसिक के बारे में इसमें डिटेल्स होंगी, ग्रेड पे के बारे में डिटेल्स होंगी, आपका DA कितना है उसके बारे में डिटेल्स होगी। नेक्स्ट आता है HRA आपका कितना है वो भी इसमें लिखा होगा, CCA आपका, HA और अदर अर्निंग्स, ये सब आपकी उसमें लिखी होंगी अर्निंग्स।
सैलरी स्लिप में आपकी अर्निंग जितनी भी आपको सैलरी मिल रही है उसकी पूरी डिटेल्स उसमें लिखी होगी। उसके बाद डिडक्शन, आपका कितना डिडक्शन हो रहा है वो भी सारी डिटेल्स इसमें लिखी होंगी, यानी GPF डिडक्शन आपका कितना हो रहा है, GPF एडवांस आपका कितना है, ग्रुप इंश्योरेंस आपका कितना 87 रुपये जो कटते हैं वो भी इसमें लिखे होंगे, और इनकम टैक्स आपका कितना कट रहा है वो भी इसमें आपकी डिटेल्स लिखी होंगी, और अदर डिडक्शन अगर आपका कोई है तो वो भी इसमें लिखी होगी। तो यानी कि टोटल अर्निंग आपकी होगी, टोटल डिडक्शन आपकी होगी, और नेट पे आपको कितनी मिल रही है वो भी आपकी इसमें होंगी। इस तरह से आपकी सैलरी स्लिप में आपकी टोटल डिटेल्स होंगी। और आप नेक्स्ट माह से जल्द ही ये शुरू होने वाला है, अपनी कोई भी माह की सैलरी स्लिप आप अपने मानव संपदा पोर्टल से अपलोड कर सकते हैं, बशर्ते कि इसमें आपकी बेसिक ग्रेड पे ये सभी आपके एंट्री हुई हो मानव संपदा में। अगर आपके मानव संपदा पोर्टल पर आपके बेसिक और ग्रेड पे की एंट्री नहीं हुई है तो BRC पर जाकर आप इसकी एंट्री करा लें, क्योंकि सैलरी स्लिप उसी शिक्षक की जनरेट हो पाएगी जिसने अपनी पूरी एंट्रीज करा रखी हैं, यानी कि प्रत्येक ईयर में उसका ग्रेड पे क्या था, बेसिक सैलरी क्या थी, ये सब उसकी होनी चाहिए। तो आप ध्यान से मानव संपदा पोर्टल पर अपनी डिटेल्स चेक कर लीजिए, और चेक करने के बाद इसको देख लीजिए, क्योंकि अगले माह से आपका वेतन जो है पे रोल मॉड्यूल से ही आना है। तो साथियों, ये थी आज की डिटेल्स। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा इसके साथ साथ बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले तो उसके लिए मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।